सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है बस एक मॉल को दिखाने के लिए आया हूँ, और ये मॉल कहाँ पर है? चांदनी चौक पे। तो अगर जैसे आप मेट्रो पे लाल किला उतरोगे, लाल किले पे एक नंबर से एग्जिट करना है। एक नंबर से एग्जिट करने के बाद में आप गुरुद्वारे के पास आओगे ना, तो बस वहाँ से आपको ये नज़र आ जाएगा। और मॉल इतना शानदार बनाया भाई, चांदनी चौक एक नाम से मशहूर है पहले से, और अक्षय कुमार भी खैर यहीं से है, चांदनी चौक पे। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि आप लोगों को देखने के बाद बहुत ही मज़ा आने वाला है, मतलब कि दिल खुश हो जाएगा, इतना सुंदर मॉल ये बना हुआ है। तो बाकी तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ, फिर इसको स्किप मत करना, फिर अंदर से दिखाता हूँ जाके कितना शानदार बनाया गया है ये गुरुद्वारे के पास में। वो गुरुद्वारा है, ठीक है, चांदनी चौक में। और उसके बाद जो ये मॉल बना हुआ है ना भाई साहब, क्या बात है, मतलब समझ रहे हो, एक विदेश यहाँ तैयार हो चुका है। और आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इसके अंदर चलते हैं, इसकी डेकोरेशन वगैरह सब दिखाते हैं, किस तरह का मामला इसका। इसका सीन ये देखो, यहाँ से एंट्री होती है स्टार्टिंग। ओ भाई साहब, लुक देखो जरा इसका, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को सीन। तो भी जैसे ही एंट्री होती है तो ना आपको छत में ना ये डिजाइन मिलेगा बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब पत्थरों का इसको बनाया गया है। तो अगर इनकी लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। और स्पेस की बात करो ना, तो स्पेस की जो दुकान शॉप वगैरह ना, वो बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब अकॉर्डिंग टू और मॉल के तो इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जगह है। और ये झूमर वगैरह जो है बहुत ही अच्छे लगाए हैं, मुझे लग रहा है चांदनी चौक की सारी LED अच्छे वाली जो लाइटिंग होती है ना, वो इसमें लगाई गई है भाई, लगाएंगे, क्योंकि चांदनी चौक तो वैसे भी फेमस है हर एक चीज़ में। तो दरबार की तरह इसको बनाया गया, मतलब कि जैसे भी देखोगे ना आप तो ऐसा लगेगा जैसे पुरानी चीज़ होती है ना, बस वैसा ही। और ये था यहाँ पर रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट को भी इसी अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो अभी तो खैर खास ज़्यादा चलते नहीं है, बट ये है कि हाँ, सीटिंग एरिया वो काफ़ी खुले में को है, मतलब इतना स्पेस है कि बंदा एकदम ले पाएगा अच्छे से सांस के, हाँ यार मैं कोई अच्छी जगह आ चुका हूँ, जयपुर में आ चुका हूँ। ये टेबलें थी, पत्थर की टेबलें हैं, लेकिन बहुत ही मजबूत और हार्ड वर्क करा गया है इसमें भाई, क्योंकि आजकल मोटे वोटे आदमी बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो अब मोटों से तो थोड़ा बच के रहना है। तो बाकी बाहर का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लाइटिंग को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था आकाश बिल्कुल नीला इन्होंने लगा रखा है, बट ऐसा नहीं था। फिर मैं गया थोड़ा सा आगे, तो आगे का स्पेस है देखा, झूमर देखा मैंने, मतलब झूमर ऐसा दिल कर रहा था भाई इसको लेके आऊँ और फिर घर पे लगाऊँ, बट कोई बात नहीं, इसको नहीं लगाएंगे यार, अच्छा वाला लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके पेड़ पौधे, तो मतलब पूरी ग्रीनरी इसके अंदर लगा रखी है ताकि बंदा थोड़ा सा सांस भी ले पाए, ऑक्सीजन मिल पाए। और ये देखो खाली एरिया है चलने का, तो यहाँ पर लोग बहुत सारी रील भी बना रहे थे और रील बनाएंगे भी जैसे जैसे पता लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। तो देख रहे हो फीलिंग्स ऐसी आ चुकी है देखने के बाद में कि दिल्ली में ऐसा पहला मॉल है, मतलब मॉल तो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, बट एक पुरानी चीज़ अगर याद आ रही है ना तो उसको देखने के बाद आ रही है। अब देखो इधर का नज़ारा, ज़रा कितना सुंदर है ये एरिया, देख रहे हो। तो अभी ये दुकानें भाई चालू नहीं है, अगर किसी को लेनी है तो यहाँ पे आके जो है ले लेना, क्योंकि ऐसी लाइटिंग ऐसी सुंदरता मिलेगी नहीं चांदनी चौक के अंदर, ठीक है। मैंने देखा इसका एरिया का जो बैठने बैठने का, तो मतलब इतना खुला कर रखा है इन्होंने, मतलब कुश्ती लड़ने के लिए इन्होंने शायद यहाँ पे जगह भी बना रखी थी, बंदा लड़ ही सकता है यहाँ पे, ठीक है। फुल फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है, सच बता रहा हूँ, मैं तो कन्नू को याद कर रहा हूँ, आज कन्नू नहीं आई, तो चलो अभी आगे चल लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। भाई मैंने देखा जिस साइड में मैं जा रहा था ना, रेस्टोरेंट खुले हुए थे, क्योंकि आजकल भुक्कड़ों की बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर यहाँ पर रख रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये देखा सामने ना लकड़ी के इन्होंने चांदनी चौक के जो छोटे छोटे गेट होते हैं ना, आपसे पहले बहुत टाइम पहले, मतलब तो वो इन्होंने यहाँ पे भी दिखा दिए गए हैं, और ये होना भी चाहिए यार, क्योंकि पता लगेगा ना बाहर से लोग जो आएंगे देखने के लिए कि भाई चांदनी चौक में ऐसा हुआ करता था, तो यहाँ भी गाइड वाले लोग भी आएंगे, इनको समझाएंगे कि ये हमारे ऐसे गेट हुआ करते थे मजबूत, जो कि पत्थरों से भी नहीं टूटते थे भाई। पुरानी चीज़ें दिखाई जाती थी ना, मतलब लाल किला, पुराना किला और बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने जो है लिफ्ट का एरिया बनाया, तो मैं लिफ्ट का एरिया दिखा देता हूँ आप लोग। भाई मैं बहुत सारे मॉल में गया हूँ लेकिन ऐसा मैंने लिफ्ट नहीं देखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पुराने किले के अंदर आ चुके, तो पत्थर वत्थर भी बिल्कुल सेम ऐसी बनाया इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा वाइब, मतलब बहुत अच्छी वाइब आई यहाँ पर आने के बाद। मतलब मोस्ट ऑफ चांदनी चौक में इसलिए चीज़ें बनाई जा रही हैं कि हमारी पुरानी चीज़ें ख़त्म ना हो, और हमारा इंडिया इसी चीज़ से जाना जाता है, आप लोगों को भी पता है। बट इसको जो बनाया है ना, वो इसमें हर एक चीज़ें ऐसी दी गई हैं ताकि आपको ये फील हो कि हाँ हम पुरानी जगह पर हैं,
और यहाँ से जो बाहर का व्यू मिलेगा ना वो इतना सुंदर है, मैं क्या बताऊँ। आप यहाँ पे बैठोगे ना आपको इतनी प्यारी वाइब आएगी यहाँ पे बैठने के बाद में। हालांकि मैं ही दिख रहा हूँ इसमें, बट आप नज़दीक से जाओगे ना तो आपको पूरा नज़ारा बहुत ही सुंदर मिलेगा। और जो कैफ़े वगैरह बना रखे हैं, मतलब इतना बढ़िया स्पेस इन्होंने दे रखा है। बाकी ऊपर भी पार्किंग है और नीचे भी पार्किंग है। बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चांदनी चौक में जितनी मस्त मस्त लाइटें हैं ना, जितना मस्त आइटम है, वो सब कुछ देखने के लिए इस मॉल के अंदर मिलेगा। तो अभी ज़्यादा कुछ खास चालू नहीं है, थोड़ा बहुत ही है अभी हो रहा है, बट नीचे जाके देखता हूँ थोड़ा बहुत और जो भी इसमें बना हुआ है। बाकी नीचे मिलते हैं। और ये दो लड़के आए हैं देखने के लिए, बड़े प्यार से देख रहे हैं। क्या नाम है भाई? सैयद मोहम्मद अनस। हैं? सैयद मोहम्मद अनस। सैयद मोहम्मद अनस नाम है। और भाई का? अमान अली। हैं? अमान अली। अमान अली। तो बड़े बच्चे प्यार से देख रहे थे भाई। यहीं से हो ना तुम लोग? बल्ली मार्केट से हो भाई? यहीं से है, चांदनी चौक से। तो चलो और दिखाते हैं आगे चल के भाई। ये वाली ब्लू गैलरी मैंने देखी ना, तो मुझे ना सच में मजा आ गया देखने के बाद में। मैंने कहा हाँ यार कोई चीज़ अच्छी बनाई। वैसे ये जो पेंटिंग है ना, ये जो है वॉलपेपर लगा रखे हैं इन्होंने, कागज़ वाले। इतने कुछ वो नहीं लगा मुझे अंदर, मैंने सोचा पत्थर है। बट ये एग्जिट करोगे ना तो यहाँ पर पुरानी तस्वीर मिलेगी। और यहाँ पर ये लिफ्ट है, एग्जिट का लिफ्ट थोड़ा ऐसी है नॉर्मली। और बाहर से जो लाइटिंग, ओए होए क्या बताऊँ, मतलब इतना दिल खुश हो गया ना यार लाइट देख के। ऐसा लग रहा था सीपी के अंदर आ चुका हूँ। तो सीपी बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे ये लगता है। तो बहुत अच्छा रहा भाई यहाँ का सिस्टम जो था। और इसे देखने के बाद, बाहर से देखने के बाद में आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस की याद आने वाली है, क्योंकि दिल्ली का कनॉट प्लेस ही कुछ इस तरह से वाइट वाइट नज़र आता है।